हेलो गाइस, वेलकम टू अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो, क्वार्टर का रिजल्ट तो आना बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शेयर लेके आया हूँ जिसके बेसिस पर मैं लेके आया हूँ, पता है, FIIs का डाटा के बेसिस पर। इसमें इस शेयर में जो है FIIs का जो डाटा है, मतलब उनका बाइंग जो है इसमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है, मतलब शेयर में कुछ दम है। और इसका प्रमोटर होल्डिंग, चौक जाओगे आप बोले तो, देखो 79% शेयर प्रमोटर्स के पास है इसका, मतलब शेयर के अंदर दम तो है, ठीक है। और अपना 6 मंथ के चार्ट फ्रेम में भी मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, ये 6 मंथ का चार्ट फ्रेम है। इसमें एक ब्रेकआउट के तदर पर है, धीरे धीरे से ब्रेकआउट भी दे रहा है, जो ये बहुत होने वाला एक डेप्ट फ्री स्टॉक है और एक हेल्थ सेक्टर का स्टॉक है। ये बोथ फॉर स्विंगर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए होने वाला है। आपको लेवल्स देखो, पहले आराम से लेवल्स मिलेगा। अगर मैं इसका लेवल्स बता दूं आपको, तो इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं जो इन्वेस्टर्स हो है, वो सोमवार के दिन भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स को लिए लेवल बता दूं, तो आपको इसका लेवल दिखाई देगा 240 to 280 तक, ठीक है। अगर आपका इसका लेवल है 240 to 280, कितने महीने में इन्वेस्टर्स के लिए, ज़्यादा लॉन्ग मत वेट करो, विद इन 8 मंथ्स और विद इन 1 ईयर, ये आपको विद इन 1 ईयर भी नहीं चाहिए, 6 to 8 मंथ्स में आपको एक जो शॉर्ट स्विंगर्स ये भी कह सकते हो इसको, उतना होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये डिविडेंड भी करीब 20% डिविडेंड भी देता है। अगर आपको इसको लॉन्ग तक, बहुत लॉन्ग जाओगे, मतलब 10 ईयर्स तक जाओगे इन्वेस्टमेंट वाले, तो आप बेफिक्र इसको रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि एक डेप्ट फ्री स्टॉक है। और अगर मैं इसका, हमारे स्विंगर्स जो हैं उनके लिए लेवल्स बता दूं, तो आपको ये लेवल दिखा सकता है विद इन अ फाइव डेज ये 190 to 200 का लेवल दिखा सकता है। मतलब आप आराम से 5 to 7% का प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, आपको आराम से 5% का तो प्रॉफिट मिलेगा। आप टारगेट के लिए वेट मत करो, हैवी क्वांटिटी लो, हैवी क्वांटिटी लो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करो और एक टारगेट प्राइस रखो, ओके। आप पहला टारगेट आप रख सकते हो 190 एंड देन 195 200 जो स्विंगर्स के लिए, ठीक है, ये होने वाला स्विंगर्स के लिए लेवल्स। अब इसका फंडामेंटल, जो इन्वेस्टर्स हुए उनको फंडामेंटल देखना चाहिए, क्योंकि शेयर का नाम क्या है, पहले ये तो सुनो यार, अभी भाग मत जाओ, ठीक है। शेयर का नाम है शेल्बी लिमिटेड, ठीक है। शेयर करता क्या है, देखो, शेल्बी लिमिटेड इज एंगेज्ड, ठीक है, इज एंगेज्ड इन हेल्थ केयर डिलीवरी स्पेस इन इंडिया। इट ऑपरेट्स अ चेन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ओके, अक्रॉस इंडिया। द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टू ऑफर टेरिटरी एंड क्वार्टरनरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू पेशेंट्स इन वेरियस एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, सच एज ऑर्थोपेडिक्स, कॉम्प्लेक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, रेंटल ट्रांसप्लांटेशन एक्सेट्रा। ऑब्वियसली एक हेल्थ सेक्टर का शेयर है। इसका मार्केट कैप अगर मैं आपको दिखा दूँ, करीब 2000 के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस पीयर्स में कौन कौन है इसके, देखो एक मिनट, अगर अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो गया, मैक्स हेल्थ केयर, नारायण हृदय, वॉली मेडिक्योर, ये सब इसका पीयर्स में। जो हमको मेन चाहिए था इसका क्वार्टर्स, ठीक है, क्वार्टर्स चाहिए इसका। इसका क्वार्टर्स अगर देखोगे, कंपेयर करोगे 2000 मार्च 2020 टू मार्च 2021, देखो ऑब्वियसली सेल्स इसका बढ़ चुका है, बढ़ना ही था क्योंकि कोरोना भी था, ठीक है। अगर इसका ओवरऑल प्रॉफिट जो है, अगर मैं आपको ओवरऑल प्रॉफिट भेज कहूँ, -17 से पिछले साल से प्लस पे दिखा रहा है। और इसका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे ईयर एंड ईयर बेसिस पर, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ देखो, आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तब ने हम कंपेयर किया क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करोगे तो सेल्स जो है ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है, थोड़ा डाउन बोल सकते हो लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट है ओवरऑल कंपेयर करेंगे। लेकिन प्रॉफिट जो है इनका बढ़ चुका है, ठीक है, 28 to 42, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमको जो मेन चाहिए था हमारा, जो मैं तब से बात कर रहा था, आप इसमें BIS का जो है डेटा बढ़ चुका है, देखो 2021 पे 0.84 0.71, देखो यहाँ से ना, यहाँ से DIS ने करीब 2020 जून से DIS में इन्होंने जो इंटरेस्ट दिखा है, मतलब अगर 2020 भी कंपेयर करोगे, देखो यहाँ से कंपेयर करते जाओगे 18 19, ठीक है, 2020 मार्च तक कंपेयर करोगे तो बहुत ही डाउन था, ठीक है। दिसंबर 2019 से मार्च 2020 आते हुए कम हुआ, लेकिन एक ही इसमें जो पिछले जून से 2020 जून से, ठीक है, इसका बढ़ते हुए नज़र आ रहा है FIIs, ओके, मतलब इसमें माल डाल रहे हैं, मतलब निकल भी वैसे ही देंगे, लेकिन जो है स्विंगर जो है इससे ऊपर जो वो निकलने से पहले आप इसमें प्रॉफिट कमा के निकलते जाओ, ठीक है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा था। जो इसका और मेन चीज़ पता है आपको, अगर आप इसका ये देखोगे टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग देखोगे, देखो कुछ भी हलचल नहीं है इसमें, देखो ऑलमोस्ट स्लाइट बढ़ रहा है, स्लाइट मतलब देखो 79.41 था, 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, मतलब प्रमोटर्स और भी थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ही स्लाइट 0.001% से माल उठा रहा है, लेकिन बेच नहीं रहे, मतलब अपने स्टेक को लूज़ नहीं कर रहे और गेन कर रहे हैं। हमारे पब्लिक के पास कितना है, ओनली 18% माल है पब्लिक के पास, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, जो स्विंगर्स वाले जल्दी अलर्ट हो जाओ शेयर के ऊपर, आपको एक बढ़िया सा टारगेट भी देखने को मिलेगा। और टारगेट तो ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो उन्होंने तो आपको तो मिनिमम, मैं लॉन्ग उतना भी लॉन्ग मत जाओ, मेरा लॉन्ग उतना भी लॉन्ग नहीं होता, मतलब अगर लॉन्ग टर्म का आपका ये सब हो, अगर मिनिमम मैं आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म के एक डेफिनेशन कह दूँ, तो लॉन्ग टर्म माना जाता है 5 to 10 ईयर, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन मेरे में वो डेफिनेशन नहीं है लॉन्ग टर्म। मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ विद इन 6 or 7 months, इसको स्विंग भी कह सकते हो, लेकिन 6 or 8 sorry 8 to 6 or 8
विद इन दिस मंथ्स आपको ये टारगेट दिखा सकता है 240 तक, ठीक है, 240 टू 2 मैं तब बोला था ना आपको, जिसमें उसका टारगेट आपको दिखा सकता है। तो अलर्ट हो जाओ, एक बढ़िया शेयर होने वाला है आपके लिए, और ऐसे जो लेवल्स के लिए और कुछ अच्छा शेयर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अनसेटिस्फाइड ट्रेडर, थैंक यू।